हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल करके आ रही है। दोस्तों रेलवे में अब बेटिंग टिकट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, यानी कि दोस्तों अब आप रेलवे में बेटिंग टिकट को लेकर के स्लीपर कोच में यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये न्यूज पिछले 5 से 7 दिनों में इतना हाफाताफी मच गया है कि दोस्तों आप सभी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। इसी के चलते दोस्तों जो रेल पैसेंजर थे वो काफी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि आखिरकार जब हम इंडियन रेलवे में से बेटिंग टिकट ले लेंगे स्लीपर क्लास का, और अगर हम वो स्लीपर कोच में यात्रा टिकट से लेकर के जाएंगे ही नहीं तो आखिरकार हम करेंगे तो करेंगे क्या, और हम यात्रा कैसे करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवे जनरल डब्बा बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों फिलहाल कुछ ट्रेनों में जनरल डब्बा बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। साथ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 2 साल पहले जनरल बोगियों में कम करने के बाद बोर्ड के जीएस के साथ ही स्लीपर कोच बढ़ाने का फैसला लिया है। इस फैसले के एनई रेलवे ने भी तैयारी शुरू कर दी है। नई व्यवस्था के अनुसार आगामी दिनों से सभी प्रमुख ट्रेनों में कम 4 जनरल कोच होंगे। जैसे कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यूपी बिहार और बंगाल जाने वाले इन 15 ट्रेनों में होने जा रहा बड़ा बदलाव। दिवाली छठ से पहले यात्रियों को मिलेगी सुविधा। बिहार बंगाल और यूपी की तरफ से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। इस रूट पर जाने वाली ट्रेनों में अब सीट मिलने परेशानी नहीं होगी। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिहार संपर्क क्रांति और पूर्विया एक्सप्रेस सहित 15 में जनरल कोच बढ़ाया जाएगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मैं उन सभी ट्रेनों को नाम और नंबर बताने की कोशिश कर रहा हूं जो कि जिनमें कि जनरल कोच मतलब कि जनरल डब्बा बढ़ाने का निर्णय लिया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला ट्रेन नंबर है 15-119-120 बनारस देहरादून। दोस्तों इसमें भी जनरल कोच बढ़ाने की निर्णय लिया जा रहा है। दोस्तों दूसरा ट्रेन है 15-011-15-012 लखनऊ चंडीगढ़। दोस्तों इस ट्रेनों में भी जनरल डब्बा बढ़ाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों है 15-555-15-556। दोस्तों गोरखपुर बैठेलिया इसमें भी बढ़ाया जाएगा। चौथा है दोस्तों 12-587-12-588 गोरखपुर जम्मू टवाई, इसमें भी जनरल कोच बढ़ाने का निर्णय लिया जा रहा है। पांचवा है दोस्तों 15-097-15-098 भागलपुर जम्मू टवाई, दोस्तों इसमें भी जनरल कोच बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। छठा ट्रेन है दोस्तों 15-001-15-002 मुजफ्फरपुर देहरादून एक्सप्रेस, दोस्तों इसमें भी यहां पर जनरल डब्बा बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। दोस्तों सातवां ट्रेन नंबर है 15-044-15-045 कोटांडोगाम से लेकर के लखनऊ तक। उसके बाद दोस्तों 8 नंबर है 12-035-12-036 दिल्ली टनकपुर धाम। दोस्तों दिल्ली टनकपुर ट्रेन, दोस्तों इन सभी में जनरल डब्बा बढ़ाने की बिल्कुल निर्णय लिया जा रहा है और जल्द से जल्द जनरल डब्बा बढ़ जाएगा। अब दोस्तों जनरल डब्बा बढ़ने से होगा क्या कि यात्री को बहुत फायदा मिलेगा यार, कि अगर हाँ वो लोग जनरल डब्बा ले लेंगे तो जनरल में आसानी के साथ ट्रैवल कर सकेंगे, मतलब कि थोड़ा भीड़ देखने को जनरल में कम मिलेगा, और एक स्लीपर वाला को भी फायदा हो जाएगा कि वो लोग आराम से सफर कर पाएंगे, भीड़ ज्यादा नहीं रहेगा और जनरल वाले भी अपना सफर कर पाएंगे। कम से कम रेलवे राहत तो दे रही है। हालांकि दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताते रहें, और देखिए आगे क्या क्या होता है, रेलवे क्या क्या फैसला लेती है अगर स्लीपर बेटिंग टिकट से यात्रा नहीं करने दिया जा रहा है स्लीपर कोचों में। तो देखते हैं जैसा जैसा न्यूज निकल के आता है, अब मैं आपको अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूं। और फिलहाल दोस्तों आज मैंने वीडियो जो है फेसकैम नहीं बनाया है, बिकॉज दोस्तों यहां पर बहुत मौसम खराब है, बारिश हो रही है और लाइट भी नहीं, जिसके कारण दोस्तों मैं सोचा कि चलिए आपको न्यूज दे दूं, एक गुड न्यूज दे दूं, तो मैं वॉइस ओवर वीडियोज बना डाला। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हां दोस्तों ये वीडियो जरूर अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग भरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।